कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकॉन का बटन अवश्य दबा दें। नमस्कार दोस्तों, भाजपा के वरिष्ठ नेता केंद्रीय वन पर्यावरण सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर जी आज लखनऊ भाजपा मुख्यालय में थे। SBI के कार्यक्रम में आए हुए जावड़ेकर जी ने आज अर्थव्यवस्था को लेकर, बैंकों के विलय को लेकर के, तेजस एक्सप्रेस, वंदे भातरम, भारत एक्सप्रेस, यानी कि जो भी भारत में परिवर्तन हो रहे हैं इनको लेकर के सीधी सीधी बात कही। जो रेपो रेट रिजर्व बैंक ने घटाए हैं उसको लेकर के उन्होंने बोला, मुद्रास्फीति को लेकर के बोला, वहीं वन कटान को लेकर के कांग्रेस को बोला और शिवसेना से किनारा करते हुए उन्होंने अपनी बात रखी। चीन में मंदी और वैश्विक मंदी का हवाला देते हुए उन्होंने कुल मिला के ये कहा कि डरने की ज़रूरत नहीं है, भारत बदल रहा है, देश बदल रहा है। मोदी सरकार की विशेषता यह है कि 24 घंटे काम करने वाली सरकार है, रोज आवश्यक निर्णय करने वाली सरकार है और इसलिए ये जो थोड़ा दुनिया का माहौल है उसके परिणाम से भी हम दूर रहेंगे, हमें विश्वास है। मैं आज इसलिए आपको कह रहा हूँ, आर्थिक स्थिति पर शुरू इसलिए किया कि बैंकों का स्टेट बैंक के द्वारा जो यहाँ ग्राहक मेला लगा है उसमें मैं जाने लगा हूँ यहाँ से, तो ये देश भर में कार्यक्रम हो रहे हैं ग्राहकों के साथ संवाद के, तो इसलिए मैंने इस विषय से शुरू किया। आज देश के अर्थव्यवस्था का संकट या कोई अवसर पैदा करना है तो हमें निवेश चाहिए। निवेश ये सबसे प्रमुख है, वो देशी भी चाहिए विदेशी भी चाहिए, लेकिन निवेश के लिए दिक्कत ये थी कि 2014 तक भारत में कोई आने को तैयार नहीं थे क्योंकि सबसे ज्यादा टैक्स होने वाला ये देश था, सबसे ज्यादा कर भारत में होते थे, इसलिए दुनिया के उद्योग भारत में नहीं आते थे। 15 दिन पहले मोदी सरकार ने जो फैसला किया कि कंपनियों का कॉर्पोरेट टैक्स 22% तक कम लाया और अल्टरनेटिव टैक्स जो होता है यानी नए कंपनियों को जो मिलेगा वो तो 15% तक कम किया है, ये बहुत क्रांतिकारी कदम है। ये जो इससे क्या फायदा होगा, आज चीन में मंदी का दौर है, चीन से उद्योग बाहर निकलना चाहते हैं, वो शुरू में ब्याज करों का दर कम है इसलिए वियतनाम वगैरह छोटे देशों में जाने की सोच रहे थे, लेकिन जैसे भारत ने आज दुनिया के सबसे कम करों का दर भारत में हुआ है, ये बहुत क्रांतिकारी निर्णय है और ये करों का दर जो कम हुआ है उसके कारण अब दुनिया के अनेक नए उद्योग भारत में आएंगे, यहाँ का व्यापार भी बढ़ेगा और यहाँ के रोजगार बढ़ेंगे, ये उसका परिणाम है। और भारतीय अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए इस निवेश की भी जरूरत है और वो निवेश सीधे तरीके से आए, इसलिए लगभग 50 निर्णय लिए हैं मोदी सरकार ने कि निवेश को आने में कोई दिक्कत न रहे, अनेक ऑटोमेटिक रूप से आएंगे, अनेक बहुत सीधे तरीके से आ सकते हैं, अनेक क्षेत्र 100% निवेश के लिए खोले हैं और अनेक जो कानून की दिक्कतें थी वो दूर की है। मैं पर्यावरण मंत्री हूँ, पहले पर्यावरण मंत्रालय कांग्रेस के जमाने में ये रोड ब्लॉक मिनिस्ट्री थी, किसी भी प्रोजेक्ट को रोकने का काम करने वाला मंत्रालय गिना जाता था। मोदी जी के नेतृत्व में हमने प्रक्रियाएं सरल की, पारदर्शी की और उसके कारण एक प्रोजेक्ट मंजूर होने को जो 640 दिन लगते थे अब 108 दिन लग गए। ये क्यों हुआ और उसमें पर्यावरण के शब्दों के साथ हमने कोई समझौता नहीं किया, क्योंकि हमारी नीति है पर्यावरण की रक्षा भी करेंगे और देश का विकास भी करेंगे, तेजी से करेंगे।
और इसलिए एक ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जिसे कहते हैं उसके लिए सरकार ने बहुत सारे निर्णय लिए और इसलिए मुझे पूरा भरोसा है कि सरकार ने पिछले 4 महीने में 15 कैबिनेट की बैठकें हुई उसमें 110 निर्णय हुए हैं। उन सभी निर्णयों के कारण दुनिया का निवेश भारत में ज्यादा आएगा, भारत एक हॉट डेस्टिनेशन बनेगा और इससे हमारे देश के रोजगार भी बढ़ेंगे, मेक इन इंडिया भी बढ़ेगी। क्योंकि आज हम देख रहे हैं गणेश की मूर्ति से लेकर हर कुछ सामान चाइना से आता था, ये ज्यादा प्रचलन बढ़ गया था। लेकिन अब चीन में बसे उद्योग भारत में आना चाहते हैं, यहाँ हमने उसकी विचार तैयार की है और ये जब आएंगे तो रोजगार भी बढ़ेगा और मेक इन इंडिया भी ज्यादा होगा। ये एक बहुत महत्वपूर्ण परिवर्तन मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल में हुआ है, इसकी और ज्यादा चर्चा होनी चाहिए, इसलिए मैंने ये विषय आपके सामने रखा।